नहीं, कोई विवाद नहीं चल रहा है, जो लोकतंत्र की व्यवस्था है आप बॉर्डर पे आ जाइएगा, बॉर्डर पे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार बहुमत के आधार पर चुनाव हुआ है, और अखाड़ा परिषद चूंकि चारों संप्रदायों का भाग है उसमें, और ये जो नया चुनाव हुआ है इसमें चारों संप्रदाय हैं, सन्यासी हैं, वैष्णव हैं, उदासीन हैं, निर्मल अखाड़े के हैं। तो इसमें कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी ही सत्ता कंटिन्यू चलनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है। पहले भी ये जो चुनाव हुए हैं, नरेंद्र जी का जब चुनाव हुआ उस समय भी 8-9 अखाड़े थे, ज्ञानदास जी महाराज का चुनाव हुआ था उज्जैन में 2004 में, तो ये है थोड़े समय में शांति हो जाए वो भी हमारे ही हैं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं आपस में बैठ करके समस्या को हल करेंगे। महाराज जी यहाँ पे उनका पट्टा अभिषेक हुआ जो है उनको, जो है वो उनका व्यक्तिगत गद्दी है, उन्होंने स्वयं वसित लिख कर गए हैं, और उनका जो शिष्य है बलवीर गिरी उसके नाम से वसित लिखा हुआ था, और हम सब लोग उसमें शामिल रहे, और जो एक हमारी धार्मिक परम्परा है सोरसी की, उसके बाद में विधिवत उनको महंत की गद्दी पर बैठा कर चदर विधि तिलक करके मनाया गया, जो धार्मिक सनातन परम्परा है। कितने अखाड़े आपके साथ हैं बोल दो यहां। नहीं, हम लोग तो मैंने कहा ना बहुमत के आधार पर चुनाव हुआ, 15 सात लोग हम लोग थे 13 अखाड़ों में से, उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट साथ नहीं हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो सब साथ में। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा कि जब महान ज्ञानदास जी का अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था उस समय 9 अखाड़े उनके पक्ष में थे और 4 अखाड़े उनके खिलाफ थे। इसी प्रकार से नरेंद्र गिरी जी का जब चुनाव हुआ तो 7 अखाड़े उनके पक्ष में थे और 6 अखाड़े उनके खिलाफ में थे। तो बहुमत के आधार पर हमेशा चुनाव होता आया है। इसी प्रकार से इस बार भी नरेंद्र गिरी जी के साकेतवास होने के बाद चुनाव हुआ, मीटिंग बुलाई गई, और 7 अखाड़ों ने रविंद्रपुरी जी जो महानिर्वाणीय अखाड़े से आते हैं उनका चुनाव किया, और राजेंद्र दास जी को महामंत्री चुना गया। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। कुछ लोग अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस प्रकार के कार्य कभी न हुए हैं और न कभी होने दिया जाएगा। तो ये तो हम वो भी हमारे भाई हैं, अगर उनको कोई गलत फहमी है तो हमारे साथ आज नहीं कलो बैठें, और इस प्रकार से फर्जी लोगों को खड़े करके धमकी दे करके अगर वो अपने को अध्यक्ष या महामंत्री जो फर्जी तौर पर भरे हुए हैं वो बता रहे हैं तो ये गलत बात है। और सत्ता ये है कि 7 अखाड़े आज भी मेरे साथ में, आज भी मेरे साथ में, उन्होंने गंगा पूजन किया है और आज भी हमारे साथ में हैं, और हमारे रविंद्रपुरी जी महानिर्वाणीय अखाड़ा और राजेंद्र दास जी निर्मोही अखाड़ा दोनों लोग अध्यक्ष और महामंत्री हैं।